एलएसी पर तनाव पर सेना का आधिकारिक बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत पाई है। एलएसी पर तनाव और तनाव के बीच आधिकारिक बयान सेना का, चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। तो लगातार स्थिति अंडर कंट्रोल होती हुई इसलिए क्योंकि पहले खबर यह आई कि एक अधिकारी सेना ने खोया, दो जवान खोए, तीन लोगों की मौत हुई है, शहादत पाई है, लेकिन अब एलएसी पर तनाव के बीच आधिकारिक सेना का बयान और साफ तौर पर यह पुख्ता जानकारी अब निकल कर आ रही है कि शहादत पाने वालों की संख्या 20 है। भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है एलएसी पर तनाव को लेकर, चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। भारत अपनी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय सेना का आधिकारिक बयान जारी हुआ है, चीन से झड़प में 20 भारतीय जवान खोए हैं। हिंदुस्तान ने प्रतिबद्ध है सरहद को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना, ये कहा गया साफ तौर पर, जो भारतीय सैनिक सरहद पर कर भी रहे हैं। चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। पहले शुरुआती दौर में ये जानकारी निकल कर आई कि तीन सैनिकों ने शहादत पाई है, लेकिन अब जो बयान जारी हुआ है एलएसी पर तनाव को लेकर भारतीय सेना का, वो बयान बताता है कि भारत ने 20 अपने जाबाज खोए हैं इस टकराव के दौरान। चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। सेना ने 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। भारत अपनी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एलएसी पर तनाव पर अब सेना का आधिकारिक बयान जारी हुआ है, चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। सेना ने 20 जवानों की शहादत की पुष्टि की है। भारत अपनी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भारतीय सेना की तरफ से कहा गया। जेपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, रिटायर्ड कर्नल जेपी सिंह साहब, जिस तरीके से टकराव हुआ, पहले खबर यह आई कि तीन जवानों ने शहादत पाई जिसमें एक अधिकारी भी शामिल है, लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 20 जवानों ने शहादत पाई है, किस तरीके से इसे देखा जाए? नहीं, जैसा कि मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि वारदात बहुत गंभीर है और इसके परिणाम भी गंभीर होंगे, तो चाइना को हमें सबक देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है, इसका बदला किसी भी हालत में हमको लेना है। और चाइना इस तरह से बाज नहीं आएगा, क्योंकि चाइना धोखेबाज है, विश्वासघात करता आया है और करता रहेगा। जब तक इसको किसी तरह से भी मिलिट्रीली सैन्य तौर पर इसको सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक चाइना बाज नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ने एक नया रूप धारण किया है जी, कि दूसरों देशों की टेरिटरीज पर कब्जा करो, एनक्रोचमेंट करो, सीमा का उल्लंघन करो और एक प्रेशर बना करके रखो। ये जो चाइना की जो एक बदलाव है उसकी पॉलिसी में, उसके लिए माकूम जवाब देना पड़ेगा। और 20 जवानों की शहादत का हमें किसी भी हालत में हमारी सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसका हमारी शहादत का बदला ले। और साथ में ये भी कहूंगा कि जिस तरह से चाइना का बर्ताव है भारत के प्रति, जितना भी चाइना से आयात है उसका सामान हमारे भारत में आता है, उसका पूरे तौर पर बहिष्कार किया जाए, क्योंकि जब तक हम चाइना को आर्थिक संकट में नहीं डालेंगे तब तक चाइना बाज नहीं आएगा। चाइना की कमर तोड़नी है। आज के हमारे युवा, देश के युवा ये देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है देश में, किस तरह से शहादत हो रही है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चाइना का जो हम सामान का बहिष्कार करें। सिंह साहब, मैं आपको रोक कर एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। सेना के स्तर से देख लीजिए, आप तो सेना में रहे हैं तो आप बखूबी जानते होंगे उस इलाके को भी जहाँ ये विवाद हो रहा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर सरकार के पास क्या ऑप्शन है, क्या बंदिशें हैं, किस तरीके से स्टैंड ले सकती है सरकार? स्वतंत्र है? नहीं, सरकार तो स्वतंत्र है। हमारे जिस तरह से मिलिट्री लीडरशिप सक्षम है, वो इस
इस वारदात के लिए, चाइना को इसका सबक सिखाने के लिए वो एक डिसीजन ले। सरकार जो है वो तो ये डिसीजन ले सकती है कि उसकी जो आयात है, उसका जो समान यहाँ पर आया सरकार के लिए एक सख्त ऑर्डर पास करे, उसका ड्यूटी जो है अगर नहीं कर सकते तो उसका पर हैवी ड्यूटी लगाए, जिससे कि जो सरोज जो स्वराज हमारे जो खुद का प्रोडक्ट है वो सस्ता हो और चाइना का प्रोडक्ट महंगा हो। इस तरह से सरकार ऐसे कदम उठाया कि उसका आर्थिक बहिष्कार हो, और कदम उठाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से किसी तरह से जो है ऐसे स्मॉल स्केल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर या कोई और किसी तरह से जो है चाइना को सबक सिखाना चाहिए। आज की ये डिमांड है, आज का हर युवा देश का हर व्यक्ति ये डिमांड कर रहा है और उत्तेजित है। जेपी सिंह साहब, ये हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, लेकिन आप सेना में रहे हैं, एक सैनिक रहे हैं, मैं आपके जरिए सेना को लेकर सवाल जानना चाहता हूं। जवाब ये कि चीन को लेकर सेना का स्टैंड किस तरीके का रहने वाला है, आगे हो सकता है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके से चीन को पीछे धकेला जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर मैंने लद्दाख में भी नौकरी की है, मैं लद्दाख में रहा हूँ जी। जो वहाँ का टेरेन है, जो पहाड़ी टेरेन है, जिस तरह से गलवान वैली में जो पहाड़ी स्टीप हैं, सीधी खड़ी पहाड़ियाँ हैं, वो चाइना के लिए माकूम हैं, चाइना की फौज के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट टेरेन है। लेकिन फिर भी जिस तरह से कारगिल युद्ध में पहाड़ियां चढ़ करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, पाकिस्तान को मात दी थी, इस तरह से हमारे जवान जो हैं, हमारे सेना के जवान वो पूरे इसमें सक्षम हैं, फिर भी उसको चाइना को जो है हम माकूम जवाब दे सकते हैं। यही हमारा स्टैंड रहेगा कि इस अभी भी भारतवासी शांति प्रिय देश है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन चाइना जो है 1960 अगर आप इसका इतिहास देखते हैं, 60 में चाइना ने जो है हमारे साथ धोखाबाजी की, लेकिन वहां पे भी उसने मात खाई थी। 1967 में 1960 सिक्किम में वहां पर चाइना ने कुछ गुस्ताखी की थी, वहां पर चाइना के 288 सैनिक मारे गए थे और हमारे भी 88 सैनिक शहीद हुए थे। तो उस तरह से चाइना से जो है हमें कोई डरने की बात नहीं है, सरकार से गुजारिश है इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं सक्षम है और हम किसी भी युद्ध की स्थिति के लिए पूर्ण तरह तैयार हैं। जेपी साहब, क्या युद्ध ही इसका एकमात्र सहारा है या फिर इसके अलावा भी, क्योंकि एक तरफ बातचीत का दौर भी चल रहा है, कई डेलीगेशन की बातचीत हुई आपस में, राजनीतिक स्तर पर हो या सेना के स्तर पर हो, तमाम बड़े अधिकारियों की बातचीत हुई है, किस तरीके से देखें, बातचीत से मसला सुलझ सकता है या फिर आप जो वॉर की स्थिति को देख रहे हैं? नहीं, ये जो है मसला, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जिस तरह से बातचीत का दौर जारी है, ये मसला बातचीत से ही बातचीत युद्ध इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। युद्ध करके हम क्या अचीव करेंगे? लेकिन चाइना को जो सबक देना है कि जिस तरह से वो गुस्ताखी करता है, विश्वासघात करता है, तो स्मॉल स्केल पर हम कुछ ना कुछ स्ट्राइक करके और चाइना को बता सकते हैं कि हमारी सेना भी उसी तरह से सक्षम है, जिस तरह से आप बॉर्डर पर पोज करते हो कि मेरे पास परमाणु ये मिसाइल्स ये हैं, इतने टैंक्स हैं, हमारी इतनी 25 लाख की फौज है, इस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का जो ड्रामा करता है, उस तरह से हम भी उसको माकूम जवाब दे सकते हैं अपनी फौज का स्मॉल स्केल पर कोई स्ट्राइक करके। लेकिन इसको जो मात देनी है चाइना को, वो मैं समझता हूँ कि आर्थिक फ्रंट पर जो है इसको मात दी जाए, चाइना को ऐसे आर्थिक संकट से गुजारा जाए कि उसका जो है किसी भी देश में, किसी बाकी दुनिया के बाकी देशों में भी उसके सामान का बहिष्कार हो और वहां पर जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहां पर जो उनके